जीतते ही रोहित शर्मा ने कह दी ऐसी बात की उंगली दिखाने वाले अंग्रेज हो गए खामोश। टूट गया बैजबाल का गुरु, टीम इंडिया ने कमाल का खेल दिखाया, रिकॉर्ड बनाया। गलती से सीखे बैटिंग में ले आए सुधार, गेंदबाजी फिर दिखी धारदार, जिसका दिखा असर बुमराह और अश्विन ने मिलकर किया हिसाब बराबर, अंग्रेजों को दिखाया आईना। फॉर्म में लौट आई यंग जोड़ी, पहले यशस्वी ने बल्ले से मचाया तूफान, फिर गिल की आई सुनामी और रोहित की डांट और द्रविड़ की सलाह आ गई काम, बुमराह ने तोड़ दी कमर। दोस्तों आखिरकार टीम इंडिया ने अंग्रेजों का अहंकार चूर चूर कर ही डाला। दोस्तों अंग्रेज प्लेयर बीच मैच में विकेट लेने के बाद उंगली दिखा रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों पर ठहाके लगा रहे थे। दोस्तों विशाखापट्टनम की धरती पर भारत ने अंग्रेजों से कैसे हिसाब बराबर किया, जरा उसका कर्टन टीजर देख लीजिए। दोस्तों भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम को 106 रनों से हरा दिया और भारतीय टीम ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक एक की बराबरी कर ली। भारत ने इंग्लैंड को जीतने के लिए 399 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 292 रनों पर ऑल आउट हो गई। और दोस्तों भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में दमदार और तूफानी डबल सेंचुरी लगाई, तो वहीं दूसरी पारी में भारत की तरफ से सुमन गिल ने अपना फॉर्म हासिल किया और सेंचुरी लगाई। और दोस्तों भारत की तरफ से इस मैच में सबसे ज्यादा 9 विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किया और अंग्रेजों की कमर तोड़ कर रख डाली। जसप्रीत बुमराह ने पहली इनिंग में 6 तो दूसरी इनिंग में 3 विकेट लिए। और दोस्तों मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि जसप्रीत बुमराह हमारे लिए चैंपियन खिलाड़ी है, जब आप इस तरह का गेम जीतते हैं तो आपको ऑल ओवर प्रदर्शन को देखना होता है, हम बल्ले से अच्छे थे, आप जानते हैं कि इन परिस्थितियों में टेस्ट जीतना आसान नहीं है और हम चाहते थे कि हमारे गेंदबाज आगे बढ़े और वैसा ही किया। रोहित शर्मा ने कहा कि जसप्रीत बुमराह एक शानदार प्लेयर है, उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है और जब रोहित शर्मा यह कह रहे थे तो इसका सीधा मतलब था कि जसप्रीत बुमराह पर अब भारतीय टीम का फ्यूचर निर्भर करता है। दोस्तों रोहित शर्मा ने कहा कि जसप्रीत बुमराह के पास हमारी टीम को देने के लिए बहुत कुछ है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 396 रन बनाए थे और इस पारी में टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार 209 रन की पारी खेली थी। और दोस्तों फिर जसप्रीत बुमराह के आगे इंग्लैंड की बल्लेबाजी टिक नहीं पाई और इंग्लैंड की पूरी टीम पहली पारी में 253 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने सुमन गिल के शतक की मदद से अपनी दूसरी पारी में 255 रन बनाए और इंग्लैंड को जीतने के लिए 399 रनों का टारगेट दिया, और जिसे इंग्लैंड की टीम हासिल नहीं कर पाई और मुकाबला हार गई। तो दोस्तों टीम इंडिया की इस जीत में बुमराह का कितना योगदान है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल मिर्ची 9.7M को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।